आपने अभी तक इंसानों की दावत के बारे में ही सुना होगा, जहाँ पर उनके लिए कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं और वो उनको चटकारे लेकर खाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने जानवरों की दावत के बारे में सुना है? नहीं ना। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी दावत में लेकर चलते हैं जहाँ इंसानों की नहीं जानवरों की दावत होगी। जी हाँ, हमारे प्रदेश के इकलौते नेशनल पार्क दुधवा, जहाँ पर आज हाथियों ने जमकर दावत उड़ाई है, जहाँ उनको मनपसंद भोजन गन्ना, गुड़, केला, अन्ना सहित तरह तरह के अनाज दिए गए और वो भी लखनऊ सहित अन्य जगहों से लाकर। दरअसल ये मौका था उनके स्वास्थ्य परीक्षण के अंतिम दिन का। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में आयोजित हेल्थ एंड हैप्पीनेस कैंप के चौथे दिन हाथियों के लिए एक दावत का आयोजन किया गया, जिसमें मौजूद 25 हाथियों ने जमकर भोजन का आनंद उठाया। आपको बता दें, 7 सितंबर को शुरू किए गए 4 दिवसीय हाथी स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ दुधवा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर संजय पाठक द्वारा दुधवा के छंगानाला हाथी कैंप में किया गया था, जिसके अंतर्गत पहले हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। डॉक्टरों का कहना है कि हाथियों का स्वास्थ्य पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर पाया गया है। सभी हाथियों को डिवॉर्मिंग डोज और वैक्सीन भी दी गई। हाथियों के भोज की व्यवस्था दुधवा कैंप के अलावा बेस कैंप सलुकापुर में आयोजित किया गया। सुबह से ही हाथियों को सजा सवार कर तैयार किया गया और जैसे ही मेजबान बने पार्क के अधिकारियों ने हाथियों को दावत के लिए आमंत्रित किया। हाथी चिघाड़ते हुए दावत के लिए लगी मेजों पर आकर अपने मनपसंद व्यंजन पर टूट पड़े। पार्क के अधिकारियों का कहना है कि दुधवा टाइगर के 25 हाथियों का पूर्ण स्वास्थ्य आसाम से आए डॉक्टर परीक्षित ने सभी हाथियों का परीक्षण कर लिए और फिट घोषित कर दिया है। आने वाले पर्यटन सत्र में पर्यटकों को दुधवा में सहर कराएंगे और दुधवा में कैंपिंग के लिए अभी ड्यूटी पर लग जाएंगे। इसके अलावा एफडी संजय पाठक ने बताया कि यह हाथियों का तीसरा भोज है, इससे पहले 2 भोज का आयोजन भी किया जा चुका है। जो हाथियों के स्वास्थ्य परीक्षण का तीसरा चरण था और बड़े ही हर्ष का विषय है कि सारे के सारे जो हमारे हाथी हैं वो बिल्कुल स्वस्थ पाए गए हैं। किसी को भी कोई गंभीर किस्म का कोई इन्फेक्शन नहीं है और जो ये प्रक्रिया है ये तीसरा चरण था, जिसमें कि इनको डीवर्मिंग करने का प्लस जो मिनरल्स का जो सप्लीमेंट है वो देने का, मल्टीविटामिन देने का, ये सब सिलसिला किया गया है। तो सारे के सारे हाथी स्वास्थ्य परीक्षण में जो है बहुत ही अच्छा आया है परिणाम और सब के सब स्वस्थ हैं और उसी का समापन समारोह है। तो उसके अवसर पर जो है दावत का आयोजन किया गया, जिसमें इनको तरह तरह की जो चीज़ें हैं जो इनको पसंद हैं वैसी चीज़ें जो बाज़ार में अभी सीजनल तौर पर उपलब्ध हैं, कुछ चीज़ें जो उपलब्ध नहीं थी वो लखनऊ वगैरह से भी मंगाया गया, इनको मतलब जो है आज परोसा गया है। इनकी पूरी मेहमान नवाजी खातिर तवाजो की जा रही है। सर, दुधवा में इस समय हाथी हमारे पास जो डोमेस्टिक एलिफेंट हैं वो 23 हैं कुल मिला के यहाँ दुधवा टाइगर रिजर्व प्रभाग में, और 2 हाथी जो हैं वो कतरनिया घाट वन्यजीव प्रभाग में हैं, तो कुल मिला के 25 हैं दुधवा टाइगर रिजर्व के पास। तो अभी कार्य में लाने लायक जो है वो 22 के आसपास, बिल्कुल छोटा बच्चा तो एक ही है जो दुर्गा है, बाकी जो है और अभी जो मध्यम आयु के हैं उनसे भी काम लेने की स्थिति नहीं है। करीब जो है 15-16 ऐसे हैं जिनसे काम लेने की स्थिति। डॉक्टर परीक्षित काकोती, मैं आसाम से हूँ, मैं डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया का वेटनरी हूँ और मेरा पोस्टिंग आसाम में है। डॉक्टर साहब, आज किस तरह से आप लोग यहाँ पर एक्चुअली हम लोग आज नहीं 3 दिन पहले आ चुके हैं। दुधवा में जितना भी हाथी है 23 हाथी है, सबका जांच परीक्षण हो चुके हैं। हम लोग ने उसका जो वैक्सीन से लगा दिए हैं। आज जो आखिरी दिन है तो उनके लिए एक दावत का आयोजन किया है। तो ये रोज नहीं करना है, कैंप है, इसलिए थोड़ा उसका भी हैप्पीनेस उसका भी अच्छा लगे। सर, दुधवा के हाथी जितने पाए गए कैसा स्वास्थ्य उनका, किस तरीके से? शानदार है, बहुत अच्छा है। 1 साल पहले जैसा था उससे अभी बहुत इम्प्रूवमेंट है, बहुत बेहतर।